વેલકમ બેક. તો આ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે દિલ્હીથી, જ્યાં સીબીડીટીના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને ફરજિયાત નિવૃત્ત કરવામાં આવ્યા. 22 જેટલા વરિષ્ઠ અધિકારીઓને ફરજિયાત નિવૃત્ત કરવામાં આવ્યા છે. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, એસેસિંગ ઓફિસર કક્ષાના અધિકારીઓને પણ સજા આપી દેવામાં આવી છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કહી શકાય. સંવાદદાતા રજનીશ રંજન ફોનલાઇન પર. રજનીશ, સીબીડીટી કે કુછ કરપ્ટેડ અધિકારીઓ કો निवृत्त कर दिया गया है, पूरी जानकारी. देखिए, सीबीडीटी ने एक बयान जारी किया है और उनकी ओर से ये कहना है कि जो धारा 56J है उसके तहत उन अधिकारियों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने 22 अधिकारियों पर कार्रवाई की है जो टैक्स पेयर्स को परेशान करते हैं और इनकम टैक्स असेसमेंट में जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रचते हैं. पहले भी सीबीडीटी ने ऐसे मामले में एक बार 12 अधिकारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट का आदेश दिया था और अब जो नई जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 22 अधिकारियों को उन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है और हवाला ये दिया गया है कि 27 हाई रैंकिंग IRS ऑफिसर हैं जिसमें 12 CBDT से हैं और ये तमाम लोग इनके ऊपर गंभीर चार्जेस हैं टैक्स पेयर्स को परेशान करने का और गलत तरीके से लोगों को इनकम टैक्स मामले में फंसाने का. प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया है सीबीडीटी ने अपने स्टेटमेंट में और उनका कहना है कि PM भी पहले कह चुके हैं कि इस तरह से टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और जो बेकसूर लोग हैं जो सही समय पर अपना टैक्स जमा करते हैं उनको जानबूझ के फ्रेम करने की कोशिश की जाती है. ऐसे अधिकारियों को भविष्य में भी चिन्हित किया जाएगा और उन पर इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिल्कुल रजनीश, शुक्रिया ये जानकारी के लिए. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ना भ्रष्ट अधिकारियों ने तेमने फरजियात निवृत्त करवामां आव्या छे अने तेमने जे जवाबदारी छे ते जवाबदारीमांथी तेमने दूर करी देवामां आव्या छे.